गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सर? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, हेलो। ठीक हो सब? ओ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए गुड मॉर्निंग सबको। और कैसे हैं सर, मुझे ये बताएं कि हमने गुड मॉर्निंग लास्ट लेक्चर में क्या। यस गुड मॉर्निंग बेटा, समय लास्ट लेक्चर में समय किया था। यस ओके, समय समय हमने आई थिंक चैप्टर समझ लिया था और हमें आज क्वेश्चन आंसर वगैरह करने हैं। मैं राइट मैम, क्वेश्चन आंसर वो भी हो गया था सर। ओहो वो भी हो गया था, क्या बात है, बड़ी जल्दी की हमने तो। ओके और लास्ट वाला जो हमने वो मैम वो कहे थे कि क्या बाकी बता मैम, वो रचनात्मक मूल्यांकन। हाँ हाँ हाँ, रचनात्मक मूल्यांकन बाकी है और एक्टिविटी। ठीक है ओके, तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन रचनात्मक मूल्यांकन के। जीवन में दरेक पगले सफलता मेळवा माटे आवश्यक छे कि घड़ियाळनी टिक-टिक कान में संभळाती रहे। तो तमे वर्षात केटला सहमत छो ए पांच वाक्यमां लखो, बराबर। आ हुं तमने अत्यारे समजावुं छुं विस्तारथी, लखवानुं तमारे जाते छे के सपोज तमारे जीवनमां कोई पण काममां सफळता मेळवी छे, बराबर। तमे तमारुं जुओ के तमारे भणवामां एक्झामिनेशनमां तमारे फूल मार्क्स लेवा छे 90-99% जेटला, तो तमारे शुं करवुं पड़शे? तो तमारे एक टाइम मेनेजमेंट तैयार करवुं पड़शे कि भाई हूँ 6 कलाक स्कूल में रही, घरे आवीने हूँ 1 कलाकनी अंदर फ्रेश थईने जमी अने पाछो एम के भणवा माटे बेसी जाईश। पहेला हूँ स्कूल होमवर्क कम्प्लीट करी लईश, पछी हूँ एक टाइम टेबल बनावीश, आ दिवसे आटला कलाक मारे आ सब्जेक्ट माटे, आ कलाक मारे। क्या बेटा? रेडियो स्टॉक मैम, रेडियो स्टॉक। ओके ओके, अभी ठीक है बेटा? हेलो अभी ठीक है मैम? अभी तो दिख नहीं रहा है। हाँ सुबह सुबह ओके धन्यवाद। अभी ठीक है? यस मैम अभी ठीक। ओके अभी ठीक है ना? और वॉइस आ रही है ठीक से? यस मैम। यस मैम। चलो ओके, तो जीवन में दरेक पगले मतलब कि तमारा दरेक स्टेप ऊपर दरेक स्टेज ऊपर तमारे सफलता मेळवा माटे आवश्यक छे कि तमे घड़ियाळनी टिक-टिक तमने कान में संभळाती रहे, मतलब कि सतत
તમારું ધ્યાન સમય ઉપર રહે કે તમારે આટલા કલાક આ કરવાનું છે, આટલા કલાક આ કરવાનું છે, આટલા કલાક આ કરવાનું છે, આ સમયે તમે આ કરતા હશો, એ રીતનું તમારું એક અગર ફિક્સ ટાઈમ ટેબલ રહેશે અને તમે સમયની સાથે ચાલતા શીખશો તો તમને હંમેશા સફળતા મળશે. એ વાત તમને યોગ્ય લાગે છે કે નહીં? તમને એવું લાગે છે કે હા સમયની સાથે ચાલવું યોગ્ય છે તો તમારે હા લખવાની છે, અને તમને એવું લાગે કે ના ભાઈ હવે ઘડિયાળ તો બનતી રહી, આપણે મોઢામાં બહુ બને છે, એમાં કાંઈ આપણે જોવાની જરૂર નથી, ફાયલા કરશે બરાબર. તો તમારે એ રીતે લખવાનું છે કે ના હું આ વાત સાથે સહમત નથી. પણ એક વસ્તુ એ છે કે દરેક સ્ટેજ ઉપર તમારે જો સફળતા મેળવવી હશે, આગળ વધવું હશે, તો તમારે સમયને માન આપવું જ પડશે, તો જ સમય તમને માન આપશે અને તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો બરાબર. તો તમારે એ જોવાનું છે કે સમય સાથે જો ચાલશો તો આપણે જમાનાની સાથે, દુનિયાની સાથે, વિશ્વની સાથે રહી શકશું, નહીતર આપણે પાછળ રહી જશું. ઓકે, તો એ રીતે તમારે પાંચ વાક્ય લખવાના છે. થઈ જશે? ઓકે ઓકે બેટા, સબકા હો જાયગા ના? ફિર યે ના હો કે મેમ યે તો હમારી સમજ મેં નહીં આયા સર. ઓકે, એક્ટિવિટી કે શું તમે નવી દિલ્હીનું જંતર મંતર જોયું છે? એ જે છે એ આઈ થિંક નવી દિલ્હીમાં પણ છે અને કદાચ જયપુરમાં પણ છે બરાબર. એ રીતે એક ગાર્ડન ટાઈપનું બનાવેલું છે, એમાં મોટી જબરી ઘડિયાળ જેવું બનાવેલું છે, કામ પણ એ ઘડિયાળ જેવું જ કરે છે. અને એ સૂર્યપ્રકાશના અનુસાર આ બધી ખગોળીય ઇમારતો બનાવેલી છે અને એ બધી રચના જે છે એ ઘડિયાળનું કામ કરે છે, જયપુરમાં પણ છે. તો એ જંતર મંતરનું જે ચિત્ર છે એ તમારી સ્કેચબુકમાં ચોંટાડો. ક્યારેક ત્યાં જાઓ માતા પિતા સાથે અને એની વિશેષતાઓ જાણી અને વર્ગમાં એની ચર્ચા કરો બરાબર. તો આ એક આપણે પ્રોજેક્ટ બનાવશું બરાબર. એમાં તમારે જંતર મંતરનું ચિત્ર ચોંટાડવાનું છે, જંતર મંતર દિલ્હી અથવા જંતર મંતર જયપુર. યસ બેટા બોલો બોલો બેટા. વોટ યુ વોન્ટ ટુ સે, કુછ પૂછના ચાહતે હો બેટા? યસ મેમ, મેં પૂછના ચાહતા હું. મેમ આપકે પાસ અભી ભી વો રેકોર્ડ રહે હોગા, ચેપ્ટર નંબર 1 સે ચેપ્ટર નંબર 9 તક કા? નહીં બેટા, હમારે પાસ નહીં રહેતા હૈ, હમે વો 24 અવર સે રખના હોતા હૈ ફોન મેં, उसके बाद हमें वो निकालना पड़ता है क्योंकि दूसरे दिन फिर हमें पूरे दिन का रिकॉर्डिंग करना होता है, वो भी 24 आवर्स के बाद हमें डिलीट करना होता है. तो शायद स्कूल के रिकॉर्ड में होगा बेटा, मेरे पास तो नहीं है. मैम क्या करना है बेटा? तो हमारा क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज लिख के ना वो वाला रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, मैं वो रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्ड नहीं कह रहा हूँ. ओके बेटा ओके, देखिए तो वो मेरे पास जितना भी होगा ना मैं आपको पर्सनल नंबर भेज सकती हूँ. यू करना स्कूल के बाद आप मुझे पर्सनल नंबर से अपना नाम और एक मुझे भी चाहिए छोटा सा मैसेज भेज दीजिएगा. जिनको भी चाहिए, जिनको भी चाहिए अपना नाम और स्टैंडर्ड लिखकर मुझे इस नंबर पे करना है. मैम एक बार आप अपना नंबर दो, इसमें डाल दो ना चेक में, नंबर में इसमें चेक में डाल दो. नहीं ये नंबर आपके उसमें नहीं आता जब आप ये करते हो तो. वन मिनट में कुछ करती हूँ, देखिए. ओके, तो जिनको भी ये करना है वो ये मुझे एक आपको रिमाइंडर भेज दीजिएगा, ठीक है? और आपको रीजन भी बताना है मुझे कि आप पीछे क्यों रह गए हो, आपने तब मेरे साथ क्यों नहीं किया है. ओके, और आपका रीजन जेन्युइन होगा तभी मैं आपको भेजूंगी, क्योंकि अगर आपने शुरू से नहीं किया है और अभी आपको सब एक साथ करना है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? नाउ माई नंबर इज 7359 8 10 41 41 3 2 0. ओके, आई थिंक ये मैंने सही सही टाइप कर लिया है, 7359 8 41 3 2 0. ओके, ये मैंने आपको चैट बॉक्स में नंबर भेज दिया है, देख लीजिए और एक बार टैली कर लीजिए. मैं बोल रही हूँ 7359 8 41 3 2 0. ओके, इट्स ओके.
ओके, तो जिनको भी चाहिए वो मुझे अपना नाम स्टैंडर्ड एच ए या बी जो भी है और एक रीजन आप पीछे क्यों रह गए हो, ठीक है? ओके चलिए, तो आई से એક ચિત્ર જંતર મંતર નું ચોટાડવાનું છે દિલ્હી અથવા જયપુર, અને એના વિશેની માહિતી તમારે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી શોધી અને તમારા હાથથી લખવાની છે. ઓકે, ચિત્ર તમે કોઈ પણ રીતે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી લઈને પ્રિન્ટ આઉટ કઢાવી શકશો અથવા તો ક્યાંય તમને મળે તો કટ કરીને પેસ્ટ કરી શકશો, પણ યુ હેવ ટુ રાઇટ વિથ યોર ઓન હેન્ડ, કોઈ ભી એસા વો પ્રિન્ટ આઉટ નિકાલ કે ચિપકાયેગા નહીં, ઠીક હૈ? તો યે આપકો ખુદ અપને હાથ સે લિખના હૈ. તો યે હમારા પ્રોજેક્ટ રહેગા જિસકે લિયે આપકો એક વીક કા મેં ટાઈમ દે રહી હું, પૂરે એક વીક કા. આજ ફ્રાઈડે હૈ, નેક્સ્ટ ફ્રાઈડે, ઠીક હૈ? આપ સબને અગર હો સકે તો મુજે ऐसा पिक्चर खींच के पूरी भेज देना है, या तो अगर आप किसी के हाथ भेज सकते हो स्कूल पर तो वो भी ठीक है, वरना अपने पूरे अपने प्रोजेक्ट का अच्छे से एक अच्छा सा पिक्चर निकाल कर मुझे आपको मैसेज कर देना है. ओके, तो ये हो गया हमारा एक प्रोजेक्ट. इससे पहले हमने कौन सा प्रोजेक्ट किया था? यस, वृक्षारोपण वाला, ठीक है? उनके भी जो जितने जितने बच्चों ने मुझे भेजे हैं वो मेरे पास पड़े हैं अभी तक. ओके, नाउ जो एक्टिविटी आपको यहाँ पे बुक में करनी है वो है कि घड़ियाली शोध के रहते थे, सबसे पहला घड़ियाली शोध कौन करी ए विषयनी माहिती तमारे इंटरनेट ઉપરથી મેળવવાની છે, એન્ડ ગુજરાતીમાં તમારે અહીંયા લખવાની છે. ઇન્ટરનેટ ઉપરથી તમને કદાચ તમે ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરશો તો ગુજરાતીમાં મળશે, અધરવાઇઝ તમને ઇંગ્લિશમાં મળશે. યુ હેવ ટુ ટ્રાન્સલેટ ઇન ગુજરાતી એન્ડ ધેન यहाँ पे आपको लिखना है कि घड़ियाली शोध केवी रीते थई, कोणे करी, कई साल में करी, ए विषय की माहिती तमारे इंटरनेट उपरथी मेळवानी छे, अने मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन से आप लाइन में इस तरह से यू नीचे लिखेंगे आप इस तरह से, तो आपको 8 लाइन लिखने के लिए मिलेगी, ठीक है? यू हैव टू राइट 7 to 8 लाइन. ओके, तो यो इतना जो हमने आज किया है उसमें आपको अगर कोई डाउट है, यस पीटर हैनलिन, कि आपको याद रखना है और गुजराती में आपने लिखना है. ओके, तो ये जो एक्टिविटी है वो तो नेक्स्ट पीरियड तक हो जानी चाहिए, और ये जो प्रोजेक्ट है आपका उसके लिए पूरे वीक का टाइम है, नेक्स्ट फ्राइडे तक का. ओके, तो हो जाएगा, या कोई प्रॉब्लम है तो हम एक बार और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. यू हैव टू से यस और नो, मैम नो डाउट, नो डाउट. ओके, सबसे हो जाएगा बेटा. ओके मैम, नाउ मैम यस बेटा, मैम मैम बोलो, मैं सुन रही हूँ. बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ. हेलो, क्या हुआ बेटा? मुझे तुझे क्या बोलना था? हाँ बेटा बोलो, सुन रही हूँ मैं. मिलन तो आवाज नहीं आ रही है. मिलन एक को देख रहे, तू बोल रहा है तो हमारे यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है. हाँ बेटा, मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा, माइक तो ओपन हो गया ना उनका? नहीं मैम, उसने ये चैट बॉक्स में लिखा आई एम स्पीकिंग एंड नाउ, अभी लिखा आई लिव एंड ज्वाइन. ओके बेटा, कोई बात नहीं, वो फिर से ज्वाइन हो जाएंगे तो बोलेंगे तो हम सब सुनेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, फिर हम उनका जो डाउट होगा वो सॉल्व कर लेंगे. हेलो मिलन,
अच्छा, उनका शायद उनकी तरफ से नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम रहा होगा, तो जब ठीक हो जाएगा वो पूछ लेंगे, हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा अपने एग्जाम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, आप ही आ रही है, बोलिए। मैंने ना गूगल में अभी सर्च किया था जंतर मंतर पिक्चर, तो मैम उसमें तो क्लॉक जैसा कुछ दिखाया ही नहीं, कुछ ऐसा था जैसे कि लाइन लाइन थी और उसमें लेयर बने हुए। वन मिनट, जंतर मंतर आपको क्लॉक नहीं लिखना था, जंतर मंतर दिल्ली या फिर जंतर मंतर जयपुर? मैम वो जो लाइट है ना वही जंतर मंतर है, क्योंकि जब सन की उस पे शेडो पड़ती है ना, तो पता है बेटा, लेकिन देखा बेटा, मुझे तो पता है लेकिन उनका डाउट हमें सॉल्व करना है, ठीक है, देखते हैं। जंतर मंतर जयपुर, ओके नाउ। तो ये जो हम पिक्चर ढूंढेंगे ये इस तरह से फूल पत्तों से ही बनाया गया है, ग्रीन ग्रीन सा, वो उसमें जो लेयर्स वगैरह है वो लाइन है जो टाइम दिखाती है, उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब हमें ये ठीक से टाइम दिखता है, ओके। जब वो आप वहां जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है, अदरवाइज आपको ये माहिती जो सारे इंस्ट्रक्शन है वो आपको गूगल से मिल जाएंगे, ठीक है, देखते हैं। चलिए, और कोई किसी को प्रॉब्लम है? तो हमें ये करना है कि आज हमारा जो चैप्टर है 10 टिपे टिपे सरोवर, वो वाला हमें करना है आज। मैम? यस बेटा, यस बेटा। मैम हमें सिलेबस में कौन से लेसन है? सिलेबस में आपके लेसन से मैं भी बता दूं, देखिए ये हमारे 1-6 सैनिक तक के हमारे चैप्टर रहेंगे सिलेबस में, ठीक है। एंड व्याकरण में से 2 विशेषण प्रकार एंड कार, और ये आपका 50 मार्क्स का पेपर रहेगा और सारे ही एमसीक्यूज रहेंगे, ओके। तो आपको जो हमने कट किया है कि ऐसे समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, फिर 50 मार्क्स का पेपर जी बेटा, 50 मार्क्स के और सारे ही एमसीक्यू रहेंगे, ओके। क्या मैम सारे एमसीक्यू? जी बेटा, सारे ही 50 एमसीक्यू रहेंगे, सारे एमसीक्यू ये। तो ओके, तो वो ना मैं पंडित यहाँ जो हमारे क्वेश्चन हमने किए हैं नोटबुक वगैरह में, ठीक है, यहाँ पे हमने ये चैप्टर में जो लिखे हैं वो तो एमसीक्यूज नहीं है, तो मैं आपको एमसीक्यूज बनाकर दूंगी, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि अगर ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू की तरह पूछा जाएगा तो उसमें आंसर आएगा, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपसे। तो अभी से आप उस तरह से तैयारी करना शुरू करेंगे कि अगर इस तरह से इस क्वेश्चन का या इस पॉइंट का एमसीक्यू बनेगा तो उसमें क्या आंसर आएगा, ओके। चलिए मैं ये दिखाती हूँ, 1 मिनट। मैम व्याकरण में विशेषण के प्रकार और काल ना मैम? हाँ, विशेषण प्रकार काल 2। तो ये जो देखिए वाला दिख रहा है, ये क्या आप दिख रहा है थे? वॉइस मैम, हेलो मैम, ये जो है हेलो आ रहा है बेटा, ओके। तो ये दिख रहा है आपको?
मैम आपका वीडियो स्टॉक हो गया है। अगेन ठीक है, मैं अभी ठीक है, अब ठीक है बच्चा। अभी ठीक है, मैम अभी ठीक ही नहीं ना। ओहो ऐसा क्यों? अभी आ गए। ओके ठीक है, तो ये जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जंतर मंतर है। ठीक है, दिख रहा है सबको? नो मैम, स्टॉक हो गया वीडियो। ओहो अभी ठीक है? यस मैम ठीक है। ओके देखिए, तो ये वाला है जंतर मंतर, ठीक है, ये दिख रहा है? यस मैम ऐसा ही था, ये पान वाला। ओके तो यही है बेटा, यही है। ये पिक्चर आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है और उसके बारे में आपने इंटरनेट से जो भी जानकारी मिलती है वो निकालनी है। वो आपको इंग्लिश में मिलेगी, उसका आपको गुजराती करना है ट्रांसलेशन, ठीक है, और फिर आपने वो प्रोजेक्ट में लिखना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है वो आप एक चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, चार्ट पेपर के ऊपर, या फिर आप वो वाले रंगीन वाले पेज लेकर दो या तीन पेज करके एक में चित्र चिपकाएंगे, दूसरे में लिखेंगे, थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने लिखना है प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा ये दूसरा है, तो टू, फिर यहाँ पे आपका नाम, फिर आपका क्लास डिवीजन के साथ सपोज ए, इस तरह से, ठीक है, और सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जंतर मंतर। ओके, फिर उसके साथ आप डे और डे भी डालेंगे, हो गया। तो ये सारा आपने प्रोजेक्ट के साथ लिखना है, फिर आप यहाँ पे चित्र पेस्ट करेंगे और फिर उसके साथ यहाँ से या दूसरे पेज से या बाजू में जहाँ पे आपको अच्छा लगता है आप उसको लिखेंगे, उसके बारे में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन नेट से निकाली है वो लिखेंगे। और आप इस तरह से कुछ न्यू कर सकते हैं जो आप अगर को कुछ ड्राइंग वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाना है। ओके नाउ आज देखते हैं के लिए तो टाइम कितना हुआ है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, टिपे टिपे सरोवर, ठीक है। तो ये है कि टिपे टिपे सरोवर केव रीते भराए, बराबर, कि नानी नानी वस्तुओं आपड़े खजानो कई रीते पूरो करी सकिए। अभी हमारे पास यस बेटा अगेन अभी ठीक है, हेलो नो मैम अभी भी ठीक नहीं है, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके नो मैम आपका वीडियो अभी भी नहीं आया। ओके बेटा आवाज आ रही है मेरी, ये पूछ रही हूँ, मेरी आवाज अगर आ रही है? आवाज तो आ रही है। ओके तो आप सिर्फ सुनिए, ठीक है, और वन मिनट आप वेट कीजिए, मैं बताती हूँ क्या करना है। ओके मैम
ओके चलिए, तो ये जो हमने एक पत्र लेखन किया था, सबने किया था क्या वो? यस मैम किया था जी। उसमें हमने लिखा था कि सेविंग यानी कि बचत किस तरह से की जाती है, अगर हमारे पास थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए हैं तो उसको हम जमा कहाँ और किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में ये आपका एक चैप्टर है जो पूरा लेटर के रूप में ही है कि एक जो बच्चा है वो अपने दोस्त को या भाई बहन कुछ हो उसको, हाँ अपने, ओके ये एक लेडी है कोई जो अपने बेटे को ये खत लिख रही है कि किस तरह से उनको ये बचत के बारे में पता चला, जब बचत जो की थी वो उसको एंड टाइम पे कितनी काम आई है, वो सब यहाँ पे लिखा है तो वो हमें पढ़ना है। तो आप कोई भी एक स्टूडेंट अभी रीड करेगा और मैं जो है वो आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ, तो जिनका मैं नाम बोल रही हूँ उनको प्रेजेंट करना है, ठीक है? तो अभी कौन रीड कर रहा है? मैं करूँ रीड। यस बेटा आप करो, आपका नाम बता दो। मैम ईशा। ईशा ओके, चलिए पढ़ें। 3243 गुजरात 10 ऑक्टोबर 2013 प्रिय अनिल सुभाषिश, पत्र मळ्यो એ જાણીને આનંદ થયો કે તું સ્વસ્થ છે અને તારી કેળવણી પણ સારી ચાલે છે, અને એ જાણીને ખુશી થશે કે તારી દીપા દીદીએ કમ્પ્યુટર ખરીદી લીધું છે, સાથે જ એનો બધો શ્રેય તારી દીદીને જ જાય છે, તું તો ઘરની સ્થિતિ જાણે જ છે, એક સાથે આટલા રૂપિયાની વ્યવસ્થા કરવી મારે માટે સંભવ ન હતું, મને દીપા દીદીએ તેના બચત ખાતાની પાસબુક બતાવીને તો ચોંકાવી જ દીધી, તેમાં વ્યાજ સહિત 20,000 રૂપિયા જમા હતા, તે પોતાની શિષ્યવૃત્તિના રૂપિયાને પહેલા પોસ્ટ ઓફિસમાં જમા કરાવતી હતી, આવશ્યકતા પડતા જ રૂપિયા કાઢતી હતી, પરિણામે અપવ્યય પણ બચી ગયો, માત્ર 5,000 રૂપિયા જ મારે ઉમેરવા પડ્યા અને ઘરમાં કમ્પ્યુટર આવી ગયું, બદલાતા સમયમાં કમ્પ્યુટરના જ્ઞાનથી બૌદ્ધિક વિકાસ થશે તો બીજી તરફ રોજગારીની તકો પણ પ્રાપ્ત થશે, હું પણ ચાહું છું તું પણ પ્રતિમાસ મળવા માટે પાત્ર રૂપિયામાંથી વિદ્યાલયમાં સંચાલિત બચત યોજનાના ખાતામાં જમા કરાવે, જ્યારે આવશ્યકતા પડે ત્યારે તેમાંથી લઈ શકાય, એથી પૈસાનો હિસાબ પણ રહેશે અને વધુ પૈસા હાથમાં રહેશે તો વ્યર્થની ચીજો લેવા મન લલચાશે, એક પંચ તો પાંચ અર્થાત પૈસાની બચત સાથે સાથે બચત યોજનાના માધ્યમથી કરવાના લેણ દેણનું વ્યવહારિક જ્ઞાન પણ મળશે, થોડી કરી કરે આ કરતા ઓકે ક્યાં હોય બેટા? ઓકે મેમ, થોડી થોડી કરીને આ બચત તારી પોતાની વ્યક્તિગત આવશ્યકતાઓની પૂર્તિમાં સહાયક થશે, જ્યાં વ્યાપક રૂપમાં રાષ્ટ્રીય બચતનું અંગ પણ બનશે, જાણો છો એનો 100 લાભ છે, આ બચત પૂંજીનો ઉપયોગ અધિક અન્ન ઉત્પન્ન નવા ઉદ્યોગ ધંધા શરૂ કરવા, ચિકિત્સાલય અને સડકો બનાવવા, વિદ્યાલય અથવા મહાવિદ્યાલય ખોલવા અને બેરોજગારોને રોજગારી આપવા જેવા વિભિન્ન સાર્વજનિક હિતોમાં કાર્યોમાં થાય છે, આ પ્રકારથી આપણે આપની બચતની ટેવથી અપ્રત્યક્ષ રૂપથી રાષ્ટ્રને સેવા પણ કરી છીએ, તે 200 રૂપિયા મંગાવ્યા છે, મોકલી રહી છું, હજી હમણાં આગલા સપ્તાહ તો 500 રૂપિયા મોકલાવ્યા હતા, આજથી જલ્દી રૂપિયાની આવશ્યકતા કેમ પડી છે, હું એ તો નથી કહેતી કે પૈસા ખર્ચ હંમેશા આગળ પાછળ વિચારીને જ કરવો જોઈએ, પૈસાના સ્થાન પર પૈસા આવે છે, યાદ રહે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય છે, આશા છે મેં જે લખ્યું છે તેના પર ધ્યાન આપીશ, દીદી તરફથી પ્યાર, પત્ર દ્વારા તારી પ્રગતિની જાણ કરતો રહે છે તારી। ઓકે ચલો ઓર કોણ પઢ રહા હે? ગુડ બેટા, બહુત અચ્છે સે આપને પૂરા ચેપ્ટર પઢ લિયા હે, બહુત અચ્છે ગુડ। ઓર કોણ પઢ રહા હે? ચલિયે મેં અટેન્ડન્સ કર રહી હું આપકી ફટાફટ સે, ઠીક હે? મેં પઢું।
हाँ बेटा आप पढ़ो। मैम मैं यहाँ से पत्र पढ़ रहा हूँ, पत्र अभी हो मैं पढ़ू। ओके हाँ बेटा पढ़ो। ए जी हाँ ए जी नी ने आनंद थयो, ए जानी ने आनंद थयो, आनंद थयो के तू स्वस्थ छे अने तारे के केड़वणी पण सारू छे। केड़वणी 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 पण सारी चाले छे चाले छे। ओके तने ए जी जानी ने सुखी थाय थाशे के सारे खुशी थाशे खुशी थाशे बेटा खुशी थाशे कि तारी दीस दीदी ओ कंप्यूटर दीदी ये कंप्यूटर खरीदू छे। सायो सायो जे अने इन सायो जे अने बदे स्वे तारी साचे वन मिनट साचे 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 हाँ एनो बदो स्वे साचे जनो बदो बदो स्वे तारी दिनो ज ज જાય તારી દીદી ને જ જાય છે। ઓકે ઓકે વન મિનિટ બેટા આપ થોડી દેર સ્ટોપ કર લો મેં આપ લોગો કી અટેન્ડન્સ કર લું ઠીક હે બંસરી આડેસરા ખુશ આદ્રોજા કેશવ અગ્રવાલ અગસ્ત્ય અઘારા અગસ્ત્ય પ્રેઝન્ટ મેમ। ઓકે બેટા कर ली मैंने आपके प्रेजेंट। चलिए अग्रेसिव भारद्वाज ऋषि भारद्वाज प्रेजेंट मैम। ओके बेटा द्विजा भट्ट प्रेजेंट मैम। ओके जयनील बुरनिया प्रेजेंट मैम। ओके बेटा अभिनव गोस्वामी केशव जादव कृष्णु जादव सॉरी अनिक जीवाणी रेहान हिमांशी खुराना केविन कोराट रिद्धि महेश्वरी कृतिका मंडल आशिता मौर्य प्रेजेंट मैम। ओके बेटा धार्मी मिर्जा प्रेजेंट मैम। ओके इमान मोवर शिवम पटसुंगिया जश पटेल लक्ष्य पटेल लक्ष्य पटेल प्रेजेंट मैम। ओके मयान पटेल साहिल पवार मोनिल शाह प्रेजेंट मैम। ओके बेटा मिलन सिनोजिया मिलन सिनोजिया तीर्थक उग्रेजा मैम मिलन सिनोजिया प्रेजेंट। ओके बेटा दोनों की ओके बेटा दोनों की कर लिए मैंने प्रेजेंट ठीक है। ईशा सुतरिया प्रेजेंट मैम। ओके विहान उबड़िया प्रेजेंट मैम। ओके पुलत्स्य ये पुलत्स्य अगस्त में नहीं है ना मैं अगस्त हूँ मैम। हाँ बेटा अगस्त का मुझे पता है ये कोई पुलत्स्य भी है लेकिन नहीं, मेरा आईडी है आपका आईडी है वो पुलत्स्य वाला। ओके
तो आपका अगस्त 11 ओके ओके चलो कोई बात नहीं ओके ओके कोई बात नहीं हो गया। नाउ अभी हमारे पास कितने टाइम बचा है 3 मिनट ठीक है। तो 3 मिनट में हम और ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे लेकिन ये करते हैं कि मैं आपको ये जो पत्र है वो फटाफट सुना देती हूँ क्योंकि अभी ब्रेक भी मिलेगा तो हम और 1-2 मिनट उसमें से ले सकते हैं। ये जो एक है मम्मी वो अपने बेटे को खत लिख रही है प्रिया अनिल शुभ आशीष माने आपको बहुत अच्छे से आशीर्वाद पत्र मड़ियो ए जानी ने आनंद थयो के तू स्वस्थ छे अने तारी केड़वनी पर चाली चाले छे। केड़वनी माने अभ्यास के तू सारो छो स्वस्थ छो एकदम साजो अने तारी तारो अभ्यास पण खूब ज सारो आले छे पण तने पण ए जानी ने खुशी थशे के तारी दीपा दीदी ए कम्प्यूटर खरीदी लीधो छे मतलब के एनी जे बेन छे एने घरे कम्प्यूटर खरीदी लीधो छे अने शुं कहे छे के साचे ज एनो बधो श्रेय मतलब एनो बधो ज जे एनो एना खर्च के आते छे बधु छे એ બધું જ એને તારી દીપા દીદીને જ જાય છે શું કામ કારણ કે તું તો ઘરની સ્થિતિ જાણે જ છે એક સાથે આટલા રૂપિયાની વ્યવસ્થા કરવી મારા માટે સંભવ ન હતું કારણ કે કમ્પ્યુટર આપણને ખબર છે કે કઈ 2-4-5 રૂપિયાનું તો આવે નહીં કેનો સપોઝ 100-200 રૂપિયાનું આવે કેનો 1000-2000 રૂપિયાનું આવે તો એના માટે 5 ફિગર આપણી પાસે હોવા જોઈએ તો જ થઈ શકે તો એક સાથે આટલા બધા રૂપિયાની વ્યવસ્થા કરવી એમ તે મારા માટે સંભવ ન હતું શક્ય ન હતું પણ તારી દીપા દીદીએ મને બચત ખાતાની પાસબુક બતાવીને ચોંકાવી દીધી। તમે જયારે કોઈ ખાતામાં બચત કરવાનું શરૂ કરો છો તો તમને એક ચોપડી મળે છે જેમાં તમે જેટલા જેટલા પૈસા જમા કરો એની બધી નોંધ લખેલી હોય નીચેનો ટોટલ મારેલો હોય અત્યારે તમારા ખાતામાં આટલા પૈસા છે તો એણે એ પાસબુક બતાવીને મને ચોંકાવી દીધી કે તેમાં વ્યાજ સહિત કારણ કે દર મહિને એના ઉપર પાછું તમને પોસ્ટ ઓફિસ કે બેંક જે હોય છે વ્યાજ પણ આપે વ્યાજ સહિત એમાં 20,000 રૂપિયા જમા હતા તે પોતાની શિષ્યવૃત્તિના મતલબ કે જે સ્કોલરશિપના પૈસા મળતા હતા એ બધા જ રૂપિયાને એ પોસ્ટ ઓફિસમાં જમા કરાવી દીધી હતી અને આવશ્યકતા જ્યારે પડે બહુ જ જરૂરી હોય ત્યારે જ એમાંથી એ રૂપિયા લેતી હતી। પરિણામે એનો પૈસા જે ખરાબ થવા કે પૈસા બગડી જવા મતલબ બગડી જવા મતલબ કે આપણી પાસે પડ્યા હોય તો આપણે આડેઅવળી ચીજો લઈને એને ખર્ચી નાખીએ છીએ તો એ અપવ્યય પણ બચી ગયો। માત્ર 5,000 રૂપિયા એમાં ઉમેરવા પડ્યા જે 20 હતા એમાં 5 ઉમેરવા પડ્યા અને ઘરમાં કમ્પ્યુટર આવી ગયું। અત્યારના આ બદલાતા સમયમાં કમ્પ્યુટરના જ્ઞાનથી બૌદ્ધિક વિકાસ તો થાય છે આપણી બુદ્ધિનો વિકાસ થાય છે અને બીજી તરફ રોજગારીની તકો પણ પ્રાપ્ત થાય છે। ક્યાંય પણ જોબ ના મળે તો તમે બહારથી કામ લાવીને ઘરે કમ્પ્યુટર ઉપર કમ્પ્લીટ કરીને એ લોકોને સબમિટ કરી શકો છો। હું પણ ચાહું છું કે તું પણ પ્રતિ માસ મતલબ કે દર મહિને તને મળવાપાત્ર રૂપિયામાંથી વિદ્યાલયમાં સંચાલિત બચત યોજનાના ખાતામાં જમા કરાવે। આ ટાઈપની જે સ્કૂલો હોય જે હોસ્ટેલ સાથે ચાલતી હોય એમાં એ સગવડ હોય કે એ લોકો તમારા પૈસાને જમા કરે તમારું બચત ખાતું ચલાવે અને એમાં તમારા પૈસા એ લોકો બચાવે તો જ્યારે તને આવશ્યકતા મતલબ કે જરૂરત પડે ત્યારે તારે તેમાંથી જ લઈ શકાય એથી તારી પાસે પૈસાનો હિસાબ પણ રહેશે અને વધુ પૈસા જો તારા હાથમાં રહેશે તો તારી પાસે તને ખર્ચ વધારાનો નકામો ખર્ચ કરવાની ઈચ્છા થશે એના કરતા એક પંચ દો કાજ મતલબ કે એક જ રસ્તો અને એ જ રસ્તા ઉપર આપણા 2 કામ થઈ જાય તો એ રીતે તારા પૈસાની બચત પણ થશે અને સાથે સાથે આ જે યોજના છે બચત એના માધ્યમથી આપણને થોડા લેણ દેણનું જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થાય છે કે આપણે આટલા પૈસા મૂક્યા આટલા કાઢ્યા આપણને આટલું વ્યાજ મળ્યું આ રીતે શું એ બધું આપણને જ્ઞાન મળે છે। થોડીક થોડીક કરીને જે બચત કરી રહ્યું છે એ તારી વ્યક્તિગત આવશ્યકતાઓની પૂર્તિમાં સહાયક થશે મતલબ કે તારી પર્સનલ ચીજો લેવામાં તને એ હેલ્પફુલ થશે અને તા વ્યાપક રૂપમાં મતલબ કે ફાઇનલી એ તને રાષ્ટ્રીય બચતનું અંગ પણ બનશે। જાણો છો કે એનો શું લાભ થાય છે કે આ બચત નિધિનો ઉપયોગ યસ બેટા મેમ અત્યારે હવે ગુજરાત ઇન્ટરવ્યુ ચાલુ ન થઈ ગયો HBમાં હા બેટા થઈ ગયો છે ઓકે તો HA વાળા લેફ્ટ થઈ શકે છે ગુડ બાય એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે જો રહે જાય વો હમ બાકી ફિર કર લેંગે ઓકે okay?